जनपद मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वहां हुआ उनका जमकर स्वागत। कावड़ यात्रा के दौरान पत्रकारों का मांगा सहयोग, उन्होंने इस जनपद के पत्रकारों की जमकर प्रशंसा। सिस्टम पत्रकार और संपादक मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉयल ने कार्यशैली से अवगत कराया। जनपद के प्रमुख पत्रकार मीडिया सेंटर के सदस्यों ने खास तौर से की शिरकत। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और SP सिटी का किया गया जमकर स्वागत। स्वागत उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हाँ, यादव को यादव भी चिंता घड़ी हुई भाई। ये जिला प्रशासन की संपत्ति है, राजस्व विभाग की, लेकिन मीडिया सेंटर को 2001 में दिया गया था, तब से हम लोग आपस में मिलकर इसका अपने ही प्रयासों से संचालन करते हैं। संभवतः आप लोग बहुत दिनों बहुत सीट रहे होंगे, इस तरह का भव्य मीडिया सेंटर कम ही स्थानों पर उपलब्ध होगा, इवन लखनऊ जैसे शहर में भी ऐसा मीडिया सेंटर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ की मीडिया की मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ की मीडिया और जिलों की मीडिया से बहुत भिन्न है। ये जितनी अभी तो एक तिहाई है, अभी लोग आ चुकी देर, कई तो बाहर इसकी वजह से ध्यान से नहीं आए, कुछ आ रहे होंगे लेट नतीज वाले हम लोग हैं। यहाँ 200 के लगभग सदस्य है और सभी राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनल अथवा 2-3 प्रकाशनों को छोड़कर सभी मीडिया सेंटर के सदस्य हैं। इस जिले की इस मीडिया की खास बात यह है कि लगभग सभी अपेक्षाकृत अच्छे लोगों में शामिल है, जिनके सामाजिक छवि अच्छी है। ये ऐसे बैल हैं कि यदि इनको एक आप लोग गांव देहात की संस्कृति से है कि जब बछड़े को बैल बनाए तो नाक फोड़नी पड़ती है, इनकी नाक फोड़नी पड़े तो भिदक जा और कोई प्यार से इनके कंधे पर हाथ रखे तो ये नंदी बाबा की तरह पूरे शहर में परिक्रमा कराते हैं। ये मीडिया सेंटर के लोग, यहाँ का इतिहास कहा है, सफलता से निकाल दे, चुनाव सफलता से करा दे, अपराध मुक्त जिले को कर दे, तो निश्चित रूप से आपका तो साल दो साल का हित होगा, हमारा जीवन भर का हित होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का हित होगा कि जिला अपराध मुक्त होगा। इसलिए आज जैसी घटना आपने की है उसके लिए मीडिया सेंटर पुनः आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता है, शुभकामनाएं देता है। एक आम जिम्मेदार शहरी का दायित्व निभाएं और प्रशासन को कोई भी बवाल ना हो, कावड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, इसमें सहयोग करें। आदरणीय कप्तान तौर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सहयोग के लिए, कि ये सहयोग भविष्य में आप बनाए रखेंगे। जय भारत। जय आपने कावड़ क्षेत्र का भ्रमण किया और भ्रमण CO साहब लगातार भ्रमण में लगे हुए हैं। यहाँ की कुछ पिक्यूलियर कंडीशन है, आप लोग हमसे पहले वहां पहुंचते हैं तो, और देखा गया अधिकांश आप लोग पहले पहुंच ही जाते हैं। उसके अलावा जो यहाँ प्रॉब्लम्स है, जैसे बजेड़ी का फुल हुआ या उससे आगे और जो है जहाँ पानी भरा हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत सालों से यहाँ पे हैं, तो आपको और अच्छी तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के पास में होगा। हम लोग सॉल्यूशन लेने के लिए, आप लोगों का सहायता देने के लिए हमेशा अग्रसर हैं। आप मैंने यहाँ पे पहले कावर कराई, बट अगले साल पिछली बार में यहाँ आया था, उस टाइम पे हेलीकॉप्टर से आए थे, फूलों की वर्षा की गई थी, तो उस टाइम पे आके जो यहाँ पे रुजू उमड़ता है, चाहे वो पब्लिक का है चाहे श्रद्धालुओं का है, वो हमने उसका एक बर्ड्स आई व्यू देखा था। और उससे पहले जब बचपन में हरिद्वार जाते थे तो हमारा तो जिला भी यहीं पे है, तो यहीं से जाओ, जिसकी वजह से मेरे जैसे आदमी का भी 7-8 किलो वजन बढ़ गया, उतना ही अच्छी पत्रकारिता और उतना ही अच्छा एटीट्यूड यहाँ पे पत्रकारों का है, यहाँ से लेके जा सके। धन्यवाद सभी पत्रकार बंधु, सभी अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। और मैं ये जरूर कहूँगा, जैसा आपने कहा, मैं लखनऊ का तो मुझे नहीं पता मीडिया सेंटर का, लेकिन जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ इतना अच्छा तो नहीं, मैंने मीडिया सेंटर ही नहीं देखा है, तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक सेटअप है जहाँ पे, क्योंकि किसी भी जिले में मीडिया का, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत लोग उसमें रहते हैं, लेकिन कहीं पे भी हमने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं देखा कि भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने व्यवस्था बना रखी है। तुम्हें जानते, सभी ने कहा भी, मैं एक चीज जरूर उसमें ऐड करूंगा कि मुझे जो सबसे बड़ी भूमिका लगती है, ये तो है ही है कि भाई मान लीजिए कहीं पे बात हो जाती है, आप मौके पे पहुंचते हैं, आप हमें सूचना दे देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं, सारी चीजें, लेकिन एज पत्रकार और एज पुलिस आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मीडिया का कितना बड़ा रोल होता है। जब इतने बड़े हुजूम में पब्लिक निकलती है, जब श्रद्धालु निकलते हैं, तो वो बात
किस तरह फ्लैश कराई जाती है, कब कराई जाती है, उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद पूरी बेल्ट में वो रहता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा रोल आपका है शायद ही किसी और संस्था का हो सकता है, इंक्लूडिंग पुलिस या प्रशासन, क्योंकि आपके पास जो ताकत है उसको आप बहुत अच्छे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई चीज फ्लैश हो जाती है तो उसमें दूसरी तरह की संभावनाएं भी बहुत है। तो वो इंग्लिश में कहा जाता है कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ताकत तो हम लोगों के पास है ही, और जैसा सरकार ने भी कहा, मैंने खुद हालांकि मुझे यहाँ 15 दिन ही हुए लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि यहाँ के जितने भी पत्रकार बंधुओं से मैं मिला हूँ डेफिनेटली वो और जिलों से तो बहुत बहुत बेहतर है। एटीट्यूड का जो एक फर्क है, मतलब मैं खुल के कहूंगा, अभिराज जी ने भी कहा सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोग ये समझते हैं कि भाई जिला तो हमारा ही है, ठीक है, आप पत्रकार हैं, वो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप पत्रकार हैं, हम पुलिस वाले हैं, अपनी नौकरी करना है, कल को हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आपने दोस्त बना लिया पहले, क्या चीजें हैं जो फायदा देंगे। ये जो एटीट्यूड है, मेरा मानना है कि जितनी भी प्रोग्रेस आएगी वो इसी चीज से आएगी, और ये आपका ही नहीं, मतलब मैंने और लोगों से भी देखा, तो मुजफ्फरनगर में जैसे हमने भी ज्वाइन किया तो मुझे बहुत लोगों के फोन आए, लोगों ने कहा बड़ा टफ डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, डेफिनेटली टफ और चैलेंजिंग होगा ये, लेकिन एटीट्यूड जो है यहाँ पे लोगों का, पत्रकारों का, सर उससे मुझे लगता है कि बहुत फर्क आ जाता है कि हम किस तरह काम करते हैं, पॉजिटिव रोल रहता है वो कैसे गांव जैसी जगह को, गुड़गांव जिसको आ जाते रहे हैं तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही है ये, कुछ भी नहीं था 20 साल पहले, वो चेंज हमने देखा है। तो वो एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिवनेस का ही है वहां के लोगों का, कि उन्होंने किस तरह उस चीज को लिया पॉजिटिव तरीके से। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस एटीट्यूड को आप कंटिन्यू करिए, बहुत जल्दी और बहुत तेजी से जिस तरह चीजें बदल रही है आपके शहर में भी, जो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट है। दौरान उन्होंने पत्रकारों के बीच अपने अनुभव भी शेयर किए। मैं आरिफ शीश मेले, चीफ एडिटर बार और बैंक।